बच्चों ये बताओ तुम लोग खाने में क्या क्या खाते हो? रोटी, दाल, चावल, सब्जी, हलवा। हलवा खाते हो ना? तो खाने में रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, दाल खाते हो, चावल खाते हो, हैं? ये सब हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से। कहाँ से मिलता है? पौधों से। दाल खाते हो, अरहर का पेड़ होता है उससे दाल मिलती है। चावल खाते हो, धान का पेड़ होता है उससे हमें चावल मिलता है। ठीक, हमारा तो काम चल जाता है। पौधों को भोजन कहाँ से मिलता है? पौधों को भी तो भोजन चाहिए, वो भी तो बढ़ते हैं। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। पौधे उनकी जड़ें होती है ना, तो जड़ों से वे पानी और खनिज पदार्थ जमीन से लेते हैं और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं। अपना भोजन खुद बनाते हैं और वही भोजन जो बना के अपने शरीर में संचित करते हैं, रखते हैं, वही हम खाते हैं। वही हम क्या करते हैं? खाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भोजन तो बनाते हैं लेकिन कुछ चीजें वो नहीं बना पाते हैं। जैसे कुछ पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऐसे पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कीट भक्षी। यानी जो छोटे छोटे कीड़े उनके पास आते हैं ना, उनको खा जाते हैं। कैसे जानते हो? खा जाते हैं। अगर कीट पक्षी कोई छोटे छोटे कीट कीड़े मकोड़े उनके शरीर पे आते हैं, उनकी पत्तियों के बीच में आते हैं, तो वे इन कीटों को खा जाते हैं और उनको पचा लेते हैं, तो उससे उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। जब एक कोई पौधा जैसे तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, एक पेड़ दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये कीट पक्षी पौधा है। इसकी ये पत्तियां है, ये इसका तना है और यहाँ पे ये भी पत्ती ही लगी हुई है। क्या है? पत्ती। पत्ती। जैसे ही कोई कीट इस पौधे के पत्ती के पास आता है, ये पत्तियां इनके जो ये हेयर्स हैं, बाल हैं, ये पत्तियां धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और ये कीट इसी में पच जाता है। क्या जाता है? पच जाता है। पचा हुआ भाग पौधा सोख लेता है, उसके बाद ये पत्तियां फिर धीरे खुल जाती हैं और फिर किसी नए भोजन की तलाश में खुली रहती हैं। कोई नया कीट आए और उसको ये पचाए। ठीक, तो इस तरह से कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं। ये इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या नाम है? वीनस फ्लाई ट्रैप। इसी तरह से एक पौधा होता है जिसका नाम है ड्रोसेरा। क्या है? ड्रोसेरा। एक पौधा और होता है जिसका नाम है नेपेंथीज। नेपेंथीज। तुम्हारे सामने पौधा है ना, कीट भक्षी पौधा। आओ हम देखते हैं कि एक कीट कैसे इनकी पत्तियों के बीच में जाता है और कैसे पत्तियां उसको पकड़ लेती हैं। ठीक, आओ ध्यान से देखो। देखो ये कीट है ना, ये कीट है ना, देख रहे हो ना? अभी देखो जा रहा, धीरे धीरे जा रहा पत्तियों के बीच में, देख रहे हो ना? देख रहे। अभी जैसे ही भीतर गया, ये जैसे ही भीतर गया, अब पत्तियां सिकुड़नी शुरू हो जाएंगी। पत्तियां सिकुड़नी शुरू हो जाएंगी, देख रहे हो ना? सिकुड़ रही ना, ए ए ए देखो सिकुड़ रही है। आओ देखो ये बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया ना। अब ये कीड़ा इसी में पच जाएगा और ये पत्तियां तब तक नहीं खुलेंगी जब तक ये कीड़ा इसी में पच न जाए। चलो देखते हैं कि हमारा कीड़ा पचा के नहीं है, पत्तियां बंद हुई ना, पत्तियां बंद हुई तो कीड़ा तो अब तक मर गया होगा, पच गया होगा उसमें। आओ देखते हैं कि पचा के नहीं। ए ए ए ए ए ए ओ कीड़ा तो गायब हो गया ना, कीड़ा तो गायब हो गया, पत्ती तो कीड़ा पचा ले गई, पत्ती तो कीड़ा पचा ले गई। देखो ये, देखो ये पत्ती को खोल दो, ये देखो कीड़ा क्या हुआ, पच गया। ये देखो ये कीड़ा गायब, कीड़ा गायब ना। अब ये कीड़ा पच गया, पौधा उसको सोख ले जाएगा, शोषित कर लेगा, उससे नाइट्रोजन प्राप्त करेगा, उससे नाइट्रोजन प्राप्त करेगा। उस नाइट्रोजन से पौधे की वृद्धि में, वह नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि में सहायक होगा। समझ में आ गया ना? फिर बच्ची बहुत समझ में आ गया ना?